आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। समुद्र की सुरक्षा बरकरार रखने में काफी सफल रही नौसेना, राष्ट्रपति कोविंद ने की सराहना। ₹13,020 करोड़ रुपए की सीमा प्रबंधन योजना को मंजूरी, सरहदों की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में मिलेगी मदद। पेगासस जासूसी मामले पर 23 फरवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, उत्तर प्रदेश में खत्म नहीं हुआ बीएसपी का वजूद, मुसलमान भी उन्हें देगा वोट। परमाणु हथियार हासिल कर सकता है यूक्रेन, रूस के रक्षा मंत्री का दावा। चुनाव में मजबूती और कमजोरी पर बसपा ने किया मंथन, अगले चरण की तैयारी। सातवें चरण में कुल 613 उम्मीदवार आजमाएंगे किस्मत, जौनपुर सीट पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट। डिंपल यादव की विधानसभा चुनाव में एंट्री, कहा 10 को बनेगी समाजवादी सरकार। चौथे चरण के लिए पुलिस ने कसी कमर, संवेदनशील क्षेत्रों में होगी पुलिस की कड़ी नजर। अब होगी कांग्रेस की अग्नि परीक्षा, रायबरेली और अमेठी में प्रियंका गांधी वाड्रा का भी होगा इस इम्तिहान। रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को अलग देशों के तौर पर दी मान्यता, यूएनएससी ने बुलाई आपात बैठक। यूएन में भारत ने कहा 20,000 से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। पुतिन के फैसले के बाद रूस पर दुनिया भर के देशों का एक्शन शुरू, यूके समेत कई देश भड़के। युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति की रूस को 2 टूक, कहा हम डरते नहीं हैं। स्विस बैंक डेटा लीक से पाकिस्तान में खलबली, सूची में 12 देशों के ग्राहकों का जिक्र। सीरीज गंवा चुकी भारतीय महिला टीम, न्यूजीलैंड के खिलाफ सम्मान बचाने उतरेगी। भारतीय विकेटकीपर रिद्धिमान साहा के ट्वीट पर बीसीसीआई हुआ सख्त, जांच के बाद हो सकती है कार्रवाई। पीएसएल में अफरीदी का धमाल, आखिरी ओवर में ठोके 23 रन, टीम ने खोला तीसरा सुपर ओवर। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से पहले भारतीय टीम में फेरबदल, बीसीसीआई ने बड़े पद के लिए की नई नियुक्ति। यूपी योद्धा और बेंगलुरु बुल्स ने खोले सेमीफाइनल के दरवाजे, 2 दिग्गज टीमों से होगी भिड़ंत। शहीद शेख और श्वेता बसु प्रसाद की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म यात्री, कृपया ध्यान दे का ट्रेलर हुआ रिलीज। सारा अली खान ने जय के साथ शेयर की तस्वीर, फैंस को पसंद आई भाई बहन की बॉन्डिंग। पवन कल्याण की फिल्म भीमला नायक का ट्रेलर हुआ रिलीज, दबंग पुलिस ऑफिसर की भूमिका में आए नजर।
रश्मिका मंदाना से शादी की खबरों पर विजय देवरकोड़ा ने तोड़ी चुप्पी, एक्टर ने ट्वीट कर फैंस को बताया सच। ओटीटी पर एक बार फिर छाएगा मनोज बाजपेयी का जादू, जल्द शुरू होगी द फैमिली मैन 3 की शूटिंग। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।